हाय, मैं महुआ किचन इंडिया महुआ में आप सभी का मेरी अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को नारियल के लड्डू बना के दिखाने जा रही हूँ, और जिसे बंगला में नारकोले नारू बोलते हैं। और ये अभी दुर्गा पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा होती है, उसमें इसे इन नारू को और नारियल के लड्डू को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और दिवाली भी आ रही है, दिवाली में भी लक्ष्मी पूजा जो होती है उसमें भी ये नारियल के लड्डू को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो मैं आज इसी को बना के आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैं एक नारियल ली हूँ, और ये थोड़ा सा दूध ली हूँ, आधी कटोरी चीनी ली हूँ, थोड़ी सी इलायची पाउडर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग को अगर ये अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल का, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर करें। देखिए, ये वीडियो के नीचे में लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ है, देख रहे हैं, तो इसे आप प्रेस करें। देखिए, ये ग्रे कलर का हो गया है, तो आप सब्सक्राइब हो गए हैं। और फिर ये बेल आइकॉन है, एक बेल बटन है, तो इसे भी प्रेस करें, तो आप ये मेरे सारे रेसिपीज, लेटेस्ट रेसिपीज के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। देखिए, मैं नारियल को काट के रखी हूँ, और इसे मैं मिक्सी में पीस लूंगी। देखिए, मिक्सी में डाल रही हूँ, इसका चूड़ा बनाएंगे, है ना? हाँ। और इसमें मैं थोड़ा सा चीनी भी डालूंगी। अदाई को चूल्हे में रख दी हूँ, अब मैं ये नारियल को डाल रही हूँ इसमें। देखिए, नारियल थोड़ा फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। कटोरी में चीनी डाली थी, अब मैं थोड़ा और चीनी डाल रही हूँ। बहुत कोई इसको गुड़ से भी बनाते हैं, आप चाहे जो चीनी नहीं पसंद करते हैं तो वो गुड़ से भी बना सकते हैं। गुड़ से भी बनाने से अच्छा ही लगता है। इसे ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं बनाना है, इसको मीडियम फ्लेम में ही बनाना है, मीडियम आंच में। इसको थोड़ा भूनना है, जब तक इससे घी नहीं निकले, ये कढ़ाई में जो लगा रहता है छूट ना जाए, तब तक इसे फ्राई करना है। चीनी भी गल जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा पाउडर दूध दे रही हूँ, एक चम्मच के करीब, बड़ा चम्मच के एक चम्मच। बहुत को इस समय आप खोआ भी डाल सकते हैं इसमें, बहुत को इसमें खोआ हुआ भी डालते मावा। देखिए, नारियल फ्राई हो गया है, अब इसे लड्डू बनाना है। आप कैसे समझेंगे हुआ है कि नहीं, देखिए हाथ में थोड़ा ले लीजिए, और फिर देखिए गोल हो रहा है कि लड्डू जैसा, देखिए कितना अच्छा बन रहा है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा इसे लड्डू बनाना है। इलायची पाउडर भी डाल दी, बहुत कोई इसमें कर्पूर डालते हैं, पाउडर डालते, मैं इलायची पाउडर डाली। नारियल मेरी फ्राई हो चुकी है, अब ये थोड़ी ठंडी भी हो गई है, अब मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। देखिए, हाथ में थोड़ा घी लगा ले, और ये लेकर इसे जितना आप बड़ा चाहते हैं उतना ही बड़ा लेकर, उतना ही नारियल लेकर इस तरह से लड्डू आप बना सकते हैं, गोल गोल करके। अगर इससे बड़ा चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, जो जैसा
चाहते हैं, अगर कोई बड़ा चाहते तो बड़ा या छोटा, उसी तरह से आप इसका लड्डू बनाएं। नींबू जैसा। देखिए मेरी ये नारियल की लड्डू बन गई है, तो इसे और ये दो मैं ऐसे एक इस शेप में बनाई हूँ। तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब जो नहीं किया है जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें या कमेंट्स करके भी मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और ये आप दिवाली में जो लक्ष्मी पूजा होता है उस समय भी आप इसे बना के दे सकते हैं, और कोजागरी लक्ष्मी पूजा में भी इसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले कोई रेसिपी के साथ आपके साथ। थैंक यू, सबको सेहतमंद रहे, बाय बाय।